हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त संतोष। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ऑडी कार चलाना सीखेंगे और इसका क्या क्या फंक्शन होता है, कैसे कैसे यूज होता है वो सीखेंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऑडी A4 का चाबी है, इस तरीके का चाबी होता है फ्रेंड्स। और इसमें तीन बटन होता है, ये वाला जो बटन है ये लॉक का है और ये वाला जो बटन है पीछे वाला वो ये देख रहे हैं ये अनलॉक का है फ्रेंड्स। और ये बीच वाला फ्रेंड्स इसे डिक्की खोलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको डिक्की खोल करके मैं अभी दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। इसको बीच वाले बटन को जैसे आप पुश करके रखेंगे, होल्ड करके थोड़ी देर तक, तो ये डिक्की फ्रेंड्स खुल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, डिक्की खुल गई है। अब फ्रेंड्स, स्टेयरिंग के नीचे आया हूँ। ये फ्रेंड्स देख रहे हैं, यहाँ से बोनेट खुलता है, आगे का जो बोनेट होता है फ्रेंड्स वो बोनेट खुलता है। और ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सीट में जो एडजस्टिंग करने का ये बटन लगा हुआ है, इसको आगे की तरफ करेंगे तो आगे जाएगी, पीछे की तरफ करेंगे तो पीछे जाएगी। और एक और लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं, ये वाला सीट के जो दूसरा भाग होता है जिससे फ्रेंड्स पीठ चिपका होता है, उसके ऊपर जो हेड लगा होता है वो वाला सीट के आगे पीछे करने के लिए होता है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आप जान गए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यहाँ डिक्की खोलने के एक और बटन भी दे रखा है, आप यहाँ से इसको ऊपर की तरफ पुल करके आप डिक्की खोल सकते हैं फ्रेंड्स पीछे का। और यहाँ से साइड मिरर, साइड विंडो का फंक्शन है फ्रेंड्स, जैसे देख सकते हैं यहाँ से यूज कर सकते हैं। और ये वाला जो देख रहे हैं छोटा सा जो ये फ्रेंड्स, इससे होता है कि जैसे साइड वाला जो आपका मिरर है वो सेटिंग होता है फ्रेंड्स। इसको घुमाने से, जैसे आप इसको जिस तरीका से आप घुमा करके सेंटर में होता है तो सेंटर में से लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट साइड का, और राइट में करेंगे तो राइट साइड के। देखिए फ्रेंड्स कैसे हो रहा है, सेट आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीका से आप सेट कर सकते हैं और मोड़ भी सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसका सेंटर लेवल होता है फ्रेंड्स, तो उसमें एक एरो बना होता है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ एरो। जो एरो बनाता है उसको जैसे फ्रेंड्स ये देख रहे हैं, ये जो निशान देख रहा है, तो इस निशान को ये जो एरो लगा हुआ है इसको घुमा करके उस साइड यहाँ पर कर देंगे यहाँ पे, तो देखिए फ्रेंड्स शीशा जो है ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो जाएगी फ्रेंड्स। तो इस तरीका से करें आप फ्रेंड्स, इसको जैसे आप ऊपर के तरफ कर देंगे तो ये खुल जाएगी फ्रेंड्स। तो इस तरीका से ये यूज होता है फ्रेंड्स। इसको जैसे यहाँ कर दिए यहाँ पर, तो फिर देखिए फ्रेंड्स बंद होने लगा। तो इस तरीका से फ्रेंड्स ये यूज होता है। और ये सिस्टम जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से ये लाइट की सिस्टम है, यहाँ से ऑटो पे लगा हुआ है, आप लाइट जला सकते हैं। और ये वाला जो सिस्टम है छोटा वाला नॉब, ये यहाँ से फ्रेंड्स ये जो डैशबोर्ड का जो लाइट होता है फ्रेंड्स, उसका जो डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस होता है वो कम और ज़्यादा करने के लिए, कि आप कितना ब्राइटनेस रखना चाहते हैं अपने डैशबोर्ड का लाइट का, वो सिस्टम है फ्रेंड्स। यहाँ से कम और ज़्यादा करके आप कर सकते हैं, कम रखना कम रख सकते हैं, ज़्यादा रखना है फ्रेंड्स तो ज़्यादा आप रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको यूज करके आप वाइपर चला सकते हैं और डिम्पर मार सकते हैं फ्रेंड्स। अब आते हैं फ्रेंड्स लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड को ये जो बना हुआ है स्टिक, इस स्टिक को यूज करके आप इंडिकेटर जला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चाबी देख रहे हैं, इस चाबी को मैं गाड़ी के की इग्निशन होता है उसमें मैं डालता हूँ। ये एक्सेलेरेटर है और ये ब्रेक है फ्रेंड्स, इसमें दो ही होता है, एक्सेलेरेटर और ब्रेक। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने के लिए हम ब्रेक दबाएंगे और ब्रेक को दबा करके फ्रेंड्स तब जो है हम सेल्फ लगाएंगे। तो सेल्फ लगाने के लिए फ्रेंड्स हमें ऊपर आना पड़े। तो फ्रेंड्स, ऑडी A4 का थोड़ा जो ये चाबी लगाने का इग्निशन का जो होता है और चाबी का जो सिस्टम होता है और गाड़ी से थोड़ा हटके होता है फ्रेंड्स। ये जो चाबी देख रहे हैं आप, ये चाबी का जो ब्लैक वाला हिस्सा है पूरे अंदर चला जाता है। फिर स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स इसको पुश करना पड़ेगा। पुश कर दिए फ्रेंड्स तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स। अब फिर से पुश कर देंगे तो बंद हो गई है, फिर से पुश करेंगे तो स्टार्ट हो गई फ्रेंड्स। तो ऐसे ये फंक्शन काम करता है। और गाड़ी जैसे बढ़ाना है फ्रेंड्स, तो जो ब्रेक पर पैर रखे रहते हैं स्टार्ट करते समय, तो धीरे धीरे उसको हटाए तो गाड़ी बढ़ने लगेगी। गाड़ी को स्पीड अगर भगाना है फ्रेंड्स, तो ये एक्सेलेरेटर पर पैर दबा करके आप गाड़ी को रेस पकड़ा सकते हैं, जितनी मर्जी आप चाहें तो उसमें भगा सकते हैं। ये हैंड ब्रेक है फ्रेंड्स, इसको कैसे यूज करते हैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। गियर का समझते हैं, गियर लीवर में ये बटन है, इसको फ्रेंड्स प्रेस करना पड़ता है गियर शिफ्ट करने के लिए, फिर ड्राइविंग स्पोर्ट मोड पर कर ले फिर चले फ्रेंड्स। अब गियर को समझते हैं फ्रेंड्स कि कैसे समझते हैं। जैसे पार्किंग है, पी पे होगा तो पार्किंग होगा, आर पे रिवर्स, एन पे न्यूट्रल, डी एस पर ड्राइविंग स्पोर्ट्स मोड होता है फ्रेंड्स। और माइनस प्लस का मतलब ये होता है, जैसे आप इसको जो देख रहे हैं एरो बना हुआ है, इसको लेफ्ट साइड में ऐसे कर करके पीछे करेंगे तो माइनस में चला जाएगा और आगे करेंगे तो स्पोर्ट्स मोड में चला जाएगा फ्रेंड्स। तो ऐसे दबा करके फ्रेंड्स तब गियर को आर एन डी एस
ऐसे करके फ्रेंड्स गियर लगाए और चेंज करें फ्रेंड्स। और ये हैंड ब्रेक है फ्रेंड्स, इसको ऊपर पुल करने से फ्रेंड्स हैंड ब्रेक लगता है और फिर पुल कर देंगे तो फ्रेंड्स हैंड ब्रेक जो होता है इसका वो छूट जाता है, गाड़ी जो होता है वो फ्रेंड्स फ्री हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।